मुख्य सचिव राधारतूड़ी ने की बैठक, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक, बैठक में सरकार की योजनाओं पर चर्चा, हर व्यक्ति को मिलेंगी सरकारी योजनाएं। उत्तराखंड में वन विभाग ने चलाया अभियान, वन भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए चलाया अभियान, हजारों हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने लिया एक्शन। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा साइबर क्राइम, प्रदेश का 72 घंटे बंद रहा आईटी सिस्टम, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गोरेला ने प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुडिंग की शुरुआत करते हैं। धामी सरकार की तरफ से उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी आयोग में नए सदस्य जुड़ने के बाद में उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी आयोग काफी एक्टिव दिख रहे हैं। समय समय पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है, उनकी शिकायतों का निस्तारण भी होता दिखाई दे रहा। और उधम सिंह नगर की महुआ डाबर की भी नगर पंचायत में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर पहुंचे हैं, जहां पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की गई, उनकी समस्याओं को सुना गया और कुछ समस्याओं का समय पर भी निस्तारण जो है वो किया गया है। लेकिन सफाई कर्मचारियों ने अपने ठेकेदारों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया। सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बताया कि मनमर्जी तरीके से हमसे काम भी लिया जाता है। की समस्या यह है कि उनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हो पा रहा। मैंने सख्त सख्त अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर इनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई अधिकारी ने भी कोई भी गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जिनको 10 साल हो गए हैं हमारी सरकार उनको परमानेंट करेगी। वो सभी नगर निगम नगर पालिकाओं ने अपने यहाँ से लेटर भेजकर शासन को लेटर भेजा है। वो लेटर हम शासन को और आयोग को प्राप्त हो गया। ठेकेदार साहब का जो है 2 माह का जो बिल है, अब आगे को उसका बिल रुकवाने की सख्त सख्त कह दिया है, बिल रुकवाया जाएगा। और कर्मचारियों का जो है पीएफ एसआई नहीं जमा हो रहा है। अपर सचिव लोक निर्माण विभाग धीरज सिंह गरबाल की तरफ से लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को जिले में सड़कों पर पड़े गद्दों की पैच भारी को लेकर निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें कि प्रदेश भर में ठेकेदार सरकार की तरफ से जारी निविदाओं का बहिष्कार कर रहे हैं और ऐसे में सरकार के आगे सड़कों के सुधारीकरण को लेकर चुनौती भी बनी हुई है। मुख्यालय पौड़ी में हिमालयन संविदा कर ठेकेदार समिति के बैनर तले ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष संतान सिंह और साथ ही सचिव प्रदीप असवाल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बड़े कामों के लिए भी सरकार प्रदेश से बाहर के ठेकेदारों को आमंत्रित कर रही है। बैठक हो रही कोई बात नहीं, अगर वो बैठक कर रहे हैं चाहे एससी जज चीफ से कर रहे कोई बात नहीं। गड्ढे तो हमने बनने ना, गड्ढे तो हमने मना कर दिए। चाहे अधिकारी में कितने भी प्रेशर डाले हम पैच नहीं बनने देंगे। हमने प्लांटों में भी फोन कर दिया कि आपने प्लांट बंद कर दीजिए। अगर वो आ रहे हैं तो हमारी बात मुख्यमंत्री में करें ना, वार्ता कराए हमारी कि भाई वो परेशान है। वो बोल रहे हैं कि 15 दिन तक आप अपना आंदोलन रोक दो, उसके बाद 15 दिन बाद आपकी मांग मंजूर कर देंगे। ये क्या तरीका है? उत्तराखंड में जो है जिस ढंग से इन्होंने जो है बड़ी बड़ी निविदाएं लगाई हैं वो जो है यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। हम चाहते हैं कि छोटी निविदाएं की जाए, सरल की जाए और ताकि जो है हर व्यक्ति जो है अपना रोजगार के लिए अपना काम कर सके। नहीं, ये बहुत गलत बात है। पब्लिक की आवाज सुननी चाहिए सरकार को, क्योंकि पब्लिक के द्वारा ही सरकारें बनती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो है पलायन का भी मेन कारण है। देखिए, जनपद में पूरे प्रदेश के स्तर पे वो बात चल रही है। इसमें तो इसमें शासन स्तर पे एक बार बात वार्ता हो चुकी है उनकी, और उस दिनों बाद फिर दोबारा एक बार और जरूर उसमें बात होगी। और इसी बीच में
बात कर रहे हैं भाई किस बात। रुड़की के तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर महानगर कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ता कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जहां एक तरफ किसान स्मार्ट मीटिंग का मीटर का जो है वो विरोध कर रहे हैं, बकाया गन्ना भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर पिछले लगभग एक महीने से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी जनहित की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गई है। साथ ही महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि कई बार ज्ञापन देने, अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद भी समाधान न निकलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। इसकी समस्याओं को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। इसमें हमारी मुख्य मांग थी सोलानी नदी के पुल पर निर्माण हो, पुल का रक्त की जांच हो, बिजली की कटौती बंद हो, पीने का पानी मिले और सड़कें जो हैं यहाँ जिनमें सारी में गड्ढे हो गए वो सड़कें बनाई जाएं, पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज की हो, धान खरीद केंद्र हो, ऐसी हमारी 10-11 मांगे थी जिनको लेकर हम बार बार ज्ञापन भी दे रहे थे, जल भराव था। देखिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि डबल इंजन की सरकार है भाजपा की सरकार, गूंगी बहरी सरकार है। 2 महीने से किसानों की आवाज जो है उन्होंने दबाकर रखी हुई है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है ना अधिकारी ना प्रशासन और ना ही ये सरकार। और उसके अलावा आप देख सकते हैं ढंडेरे वाले भी जो है लगातार 18 दिन से बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें भी यहीं बैठाकर रखा है। अब कांग्रेस विपक्ष की बारी है, हम भी यहाँ आकर बैठ गए धरना देने के लिए। हमने इन्हें 10 सूत्रीय मांग दी थी, जो इनसे कहा था हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से कि आप अपनी सरकार से बात करो, इन पे काम करने का काम करें, स्मार्ट मीटर ना लगाने का काम। अरे भाई जब तुम ऊर्जा प्रदेश हो वो उसमें हो तो तुम पहले पैसे लेके क्यों ऊर्जा देने की बात कर रहे हो। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशरफ हुसैन और पूर्व पार्षद रूबी सैफी और साथ ही पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर के संयुक्त नेतृत्व में नगर के समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों लोगों की मांग को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता की अनुपस्थिति में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर के भारती को ज्ञापन सौंपा है। और साथ ही विभाग पिछले 17 महीने पहले भी बनी पुरानी पूर्णतया क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं कर रहा, जिस कारण से वहां की लगभग 50,000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर के अगुवाई में क्षेत्र के सैकड़ों लोग सिंचाई विभाग काशीपुर के कार्यालय में आधमके हैं और सिंचाई विभाग के XEN से ज्यादा लक्ष्मीपुर माइनर निर्माण की मांग की है। आज जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन के तहत सभी लोगों की मांग है कि ढेला नदी पर पिचिंग का कार्य कराया जाए और उसके नदी के किनारे किनारे जो है सर्विस रोड भी बनाई जाए। तो इस संबंध में ये कहना है कि अभी वर्षा काल में जो है कुछ जो अति महत्वपूर्ण जगह थी वहाँ पर पिचिंग का काम कराने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि बाढ़ का पानी नदी में बहुत ज़्यादा था जिस कारण पिचिंग कराई गई पिचिंग जो है वो पूरी तरह टिक नहीं पाई। कि आपको सभी को पता है कि लक्ष्मीपुर पट्टी की जो मेन रोड है काशीपुर की सबसे खस्ता हाल और सबसे खराब रोड इस समय बनी हुई है और पिछले 17 साल से सड़कों का निर्माण इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। और नगर निगम से अगर इसकी डिमांड की जाती है तो नगर निगम का कहना है कि जब तक लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण नहीं होगा तब तक हम इस सड़क का निर्माण नहीं करा सकते। तो इसलिए आज हम नगर सिंचाई विभाग के अंदर XEN साहब के पास आए हैं कि आप जो है इसी माह के अंदर अंदर लक्ष्मीपुर जो माइनर है उसका निर्माण कराएं ताकि नगर निगम भी बहाना ना कर पाए और हमारी रोड और लक्ष्मीपुर पट्टी माइनर दोनों का निर्माण एक साथ शुरू हो जाए और लोगों को वर्षों से चली आ रही दिक्कत का सामना जो करना पड़ रहा है उसकी समाप्ति हो जाए। जिले के विकास खंड सर्ट में जोरासी वन क्षेत्र के मानिला अनुभाग अंतर्गत आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में वन जीव सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य रविंद्र सत्यवली ने की है और संचालन जो है वो आकाश चंद्र ने किया है। वन क्षेत्राधिकारी जोरासी उमेश चंद्र पांडे ने वन जीवों की सुरक्षा के प्रति सद्भावना और परिस्थिति तंत्र में सूक्ष्म में बड़े जीव का तक जो है सबका महत्वाकांक्षी और महत्व संबंधी विस्तार से जानकारी भी दी गई। वन बीट अधिकारी मनीला किशोर चंद ने वन जीव संरक्षण अधिनियम और मानव
वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं के बारे में सभी को जानकारी देते हुए सुरक्षित रहने की अपील की। प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर वर्ग के बच्चों ने प्रतिभाग किया। वहीं पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया। आठ दस 2024 को आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज मानिला सल्ट में अल्मोड़ा वन प्रभाग की जोरासी रेंज द्वारा जो एक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों और समस्त स्टाफ और जोरासी रेंज के वन कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उपस्थित सभी छात्राओं को बच्चों को ये जानकारी दी गई कि वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे की जाए और कैसे हम उनको उनके साथ अपना जीवन शैली जीने की हमें ढालनी पड़ेगी। हो रहे हैं तो क्यों हमें इस चीज़ों को समझना है कर दिया है और हमने कई सारी ऐसी चीजें जो डेवलपमेंट की और हम फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई है। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं, उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या SMS में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी एप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर
सहकारिता से समृद्धि की ओर। के बाद स्वागत है आप सभी का, रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार में पत्रकारों के सवालों पर सांसद चंद्रशेखर रावत बौखला गए हैं। आपको बताते चलें कि पत्रकारों के सवालों में उलझ गए तो नगीना सांसद गोली पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से गोली लगने का डर है, क्या भरोसा कौन पत्रकार गोली मारते। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद की माफिया आतिक अहमद से तुलना की और पत्रकारों को हत्यारा बताया है। तो वहीं देहरादून उत्तराखंड की बेटियां जल्द ही ऋषिकेश में गंगा नदी पर पर्यटकों को राफ्टिंग कराती हुई नजर आएंगी। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से 14 महिलाओं को भी वाटर, आपको बताते चले कि वाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया गया है, जो अब पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद बतौर प्रोफेशनल राफ्टिंग गाइड अपना करियर शुरू करने को तैयार है। ऋषिकेश हाल के समय में राफ्टिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है और यहाँ पर हर साल 5 लाख से भी अधिक पर्यटक राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं और इस तरह से राफ्टिंग गतिविधि कारोबार के साथ ही रोजगार का भी जरिया बन रही है। लेकिन अब तक राफ्टिंग गाइड का काम पूरी तरह से पुरुष ही कर रहे थे और वहीं अब सीएम धामी के निर्देश पर पहली बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने महिलाओं को रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया है। तीन अक्टूबर को चौखंबा पर्वत पर ट्रैकिंग करने आई दो महिलाएं फंस गई हैं, लापता भी हो गई, जिसके बाद में सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा। तुरंत हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी रेस्क्यू किया जाने लगा। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग चमोली, भारतीय वायुसेना और एसडीआरएफ उत्तराखंड के साथ अन्य विभागों के सहयोग से 4 अक्टूबर से तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया है और साथ ही बचाव अभियान के तीसरे दिन आपको बताते चलें कि 6 अक्टूबर को दोनों पर्वतारोहियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है। उत्तराखंड में एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया। साइबर हमले के चलते प्रदेश का पूरा आईटी सिस्टम 72 घंटे ठप रहा। ऐसा सरकारी कामकाज पर भी असर पड़ा और राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइट और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई। सचिवालय में भी पूरे दिन भर कामकाज नहीं हो पाया। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर भी इसके जद में आ गया। इसका असर 90 वेबसाइट पर देखने को मिला और आईटीडीए निदेशक नीतिका खंडेवाल ने भी कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन और सिक्योरिटी को देखते हुए इस पर और कार्य करने की जरूरत है। पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के बाद ही सभी वेबसाइट को पूरी तरह से सुचारू किया जाएगा। So basically, हम लोग जैसे आप जानते हैं कि हम लोग डेटा सेंटर पे काफी सारी एप्लीकेशन अपने आप होस्ट करते हैं तो हमें समस्त एप्लीकेशन जिन जिन डिपार्टमेंट्स की चलती है उन समस्त एप्लीकेशन को हम लोग रेगुलर स्कैनिंग और क्लीनिंग कराते रहते हैं। तो जब हम उस पर कोई भी ऑपरेशन रन करते हैं, डीप स्कैनिंग उसकी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई वायरसेस जो छुपे बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं कभी बहुत ही डोरमेंट मोड में और एक्टिव हो गया। तो ये हमें आज से 2 दिन पहले मतलब परसों पता चला और हमने फिर तुरंत जैसे हमारे कुछ सिस्टम्स में जिसको हम बेसिकली वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं अपने डेटा सेंटर के टर्म्स में, उसमें हमें डिटेक्ट किया तो हमने तुरंत अपने पूरे डीसी को डाउन कर दिया ताकि हम नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं कोई भी हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करे। तो उस प्रोसेस से चलते हुए हमने अपना पूरा डेटा सेंटर फिलहाल परसों से इसलिए डाउन करा हुआ है। अब हमने हमारे पास लगभग 700 VMs बोलते हैं वर्चुअल मशीन्स होती है, उन लगभग मशीन्स की हम लोगों ने अब तक सब स्कैनिंग कर ली है। वो सब तो प्रभावित हुआ ही है ना। सेलाकुई थाना पुलिस ने एक शातिर ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 9 लाख रुपए से अधिक की अवैध स्मैक बरामद की गई। पुलिस की पूछताछ में आपको बताते चले कि सनी चुग नाम के इस अभियुक्त ने बताया कि वह बरेली से इस स्मैक को खरीद कर लाया था और नशा तस्कर देहरादून के शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों को स्मैक बेचने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्त को सलाखों के पीछे भी भेज दिया है।
सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे सुनाते आपको। उत्तराखंड में सीबीएसई में जिन्होंने हाई स्टैंड प्राप्त किए, ऐसे भाइयों बहनों को मैं मंच पर अक्षित सिंह आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की से शीघ्रता से मंच पर आए। अक्षित सिंह, अमरदीप सिंह, आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर को मंच पर जाकर के इसी कार्यक्रम के पश्चात में हाई स्कूल में अनंत अग्रवाल, प्रेमा जगाते, नैनीताल के भैया, वो भी मंच पर दौड़ के आए और पुरस्कार प्राप्त करें। बहुत जल्दी शीघ्रता से करें, समय का अभाव है। दौड़ के अंशुल अग्रवाल, अनंत अग्रवाल, अंशुल अग्रवाल सीबीएसई बोर्ड के टॉपर हैं ये अपने हाई स्कूल के। इनको माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय प्रांत प्रचारक जी के कर कमलों द्वारा और भैया बहनों को ये सम्मान। इस टॉप 10 के भैया बहनों के पुरस्कार के बाद मैं आग्रह करूंगा अपने आज के सर्वे मुख्यमंत्री, हम सब, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे भैया बहनों के बीच में है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सबका अपना उद्बोधन देने की कृपा करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। लास्ट में इतना ही, नमस्कार।